हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है देव सानी और आप सभी का स्वागत है देवजी टेक्निकल चैनल में। दोस्तों, क्या आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करने के बारे में सोच रहे हैं इस लॉकडाउन के समय में? स्पेशली आपको अगर एक स्मार्टफोन ऑनलाइन ख़रीदना है या बाई करना है तो आप अगर सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन शॉपिंग करने के प्लेटफॉर्म है, इस पर जो है कुछ स्कैम चल रहे हैं जिसको कि आपको जानकारी में रखकर ही ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहिए, वरना आपका पैसा हो सकता है कि फंस जाए और आप जो भी प्रोडक्ट ख़रीदना चाहें उसके बदले में आपको आपके मनपसंद प्रोडक्ट ना मिलकर कोई और प्रोडक्ट आपको लेना पड़े। क्योंकि दोस्तों मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ ऐसा हो, क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन के समय में सारा सिस्टम जो है इस समय अस्त व्यस्त चल रहा है। तो ऐसे में जो है सभी स्मार्टफोन कंपनियां या सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है काफ़ी ज़्यादा गेम खेल रही हैं और यूजर जो है जो भी स्मार्टफोन या कस्टमर जो भी स्मार्टफोन लेना चाहते हैं उनको वो स्मार्टफोन मिल ही नहीं रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए देवजी टेक्निकल चैनल को और सबसे नई वीडियो देखने के लिए घंटा पर क्लिक कीजिए और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपनी बात बता दूं तो मुझे एक स्मार्टफोन खरीदना था 15,000 से 20,000 के रुपए में और मैंने इसको जो है ऑनलाइन सर्च किया, अमेजोन और फ्लिपकार्ट का इस्तेमाल किया मैंने, तो उस पर मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन इस रेंज में देखने को मिले और मुझे जो है एक स्मार्टफोन अच्छा लगा जो कि रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स था, जो कि 16,000 से लेकर 18,000 के बजट में मिल रहा था। मुझे ये फ़ोन वाकई बहुत ही अच्छा लगा। जिस समय मैं इस फ़ोन को बाई करना चाहता था तो उस समय जो है ये फ़ोन जो है ऑनलाइन स्टॉक में अवेलेबल था, लेकिन दोस्तों कुछ समय के बाद जो है जब मैंने इसको ख़रीदने के बारे में सोचा, पूरा मूड बना लिया कि मुझे ये फ़ोन लेना ही है, तब मैंने देखा कि ये फ़ोन जो है आउट ऑफ स्टॉक हो गया अमेजोन से और मैंने फ़्लिपकार्ट पर जाकर देखा तो वहाँ पर ये जो है अनअवेलेबल बता रहा था। तो दोस्तों, अमेजोन पे जो है आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से जो है मैं इस फ़ोन को ख़रीद नहीं पाया और मैंने जब दोबारा से इस फ़ोन को लेने के लिए सोचा तो मैंने देखा कि इसकी नेक्स्ट सेल जो है कुछ दिनों के बाद जो है 12 बजे दोपहर में जो है इसकी नेक्स्ट सेल लगने वाली है। तो मैं रेडी था सब कुछ लेकर कि जैसे इसकी सेल आएगी मैं इस फ़ोन को वैसे ही बाई करूँगा। मैं अपना जो है ATM कार्ड, अपना ऑनलाइन बैंकिंग सब कुछ लेकर रेडी था, क्योंकि दोस्तों जो ऑनलाइन सेल चल रही थी ये काफ़ी तेज़ी से इसमें स्मार्टफोन बिक रहे थे। तो मैं रेडी था Redmi Note 9 Pro Max के लिए, क्योंकि जब इसकी नेक्स्ट सेल जैसे ही लॉन्च होगी मैं इसको तुरंत बाय करूंगा। तो दोस्तों, होता क्या है कि जिस दिन इसकी सेल लगती है मैं इस फ़ोन को ख़रीदना चाहता हूं, लेकिन होता क्या है कि फ़ोन को ऐड टू कार्ट करने से पहले ही फ़ोन आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। मतलब 15 सेकेंड के अंदर फ़ोन जो है Redmi Note 9 Pro का आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तब जाके वहाँ मुझे शॉक लग गया, क्योंकि दोस्तों इतना ज़्यादा सेल चल रही है, इतना ज़्यादा डिमांडेड फ़ोन है, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक कैसे हो जा रहा है? क्या सभी लोग उस फ़ोन को ख़रीद लिए? तो इसमें जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्कैम चल रहा है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शॉपिंग प्लेटफॉर्म है ये जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा जो है स्कैम चला रहे हैं और जो स्मार्टफोन कंपनियाँ हैं इनको इसका फ़ायदा मिल रहा है। हो क्या रहा है दोस्तों कि ये जो स्मार्टफोन कंपनियाँ हैं ये अपने मन मुताबिक जो है अपने स्मार्टफोन को सेल में लगा रही हैं और अपने मन मुताबिक जो है स्मार्टफोन को बेच रही हैं। जो कस्टमर को स्मार्टफोन चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि Redmi Note 9 Pro का दो रेंज का फ़ोन है, 6GB 8GB, एक की कीमत है 16,000 और एक की कीमत है 18,000। तो हो क्या रहा है दोस्तों कि अगर हमें जो है 6GB 16,000 वाले फ़ोन को बाई करना है Redmi Note 9 Pro को, तो ये कंपनी जो है इस फ़ोन को सेल में लगा ही नहीं रही है, वहाँ पे जो है 8GB 18,000 वाले फ़ोन को सेल में लगा रही है और कस्टमर जो है सोच रहा है कि 16,000 और 18,000 में केवल 2,000 का फ़र्क है, तो हम क्यों ना 8GB और ये जो है 18,000 वाला फ़ोन बाई कर लें। तो दोस्तों, इस वजह से जो है कंपनियाँ अपने मन मुताबिक जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपने फ़ोन को लॉन्च कर रही हैं, सेल कर रही हैं, जिसमें कि मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। जो मैं फ़ोन लेना चाह रहा था वो जो है आउट ऑफ स्टॉक हो गया और इसकी जब नेक्स्ट सेल आई तो मात्र 15 सेकेंड के अंदर फिर से आउट ऑफ स्टॉक हो गया और आज तक मैं इस फ़ोन को बाई नहीं कर पाया। तो दोस्तों, जब मैं फ्लिपकार्ट पर जाकर देखता हूँ तो वहाँ पे ये फ़ोन अनअवेलेबल ही बताता है।
तो दोस्तों अगर आप भी स्मार्टफोन लेने के बारे में सोच रहे हैं ऑनलाइन, तो प्लीज़ बी केयरफुल हो जाइए। अगर आप जो है किसी फ़ोन को लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि जब आप इसको ऑनलाइन परचेज करने चाहें तो ये जो है फ़ोन हो सकता है कि आपको मिले ही ना। तो दोस्तों ऑनलाइन मार्केट में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, हो सके कि आप जो फ़ोन खरीदना चाहते हैं वो फ़ोन आपको मिले ही ना। तो दोस्तों मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अब मैंने जो है सैमसंग का फ़ोन खरीदने के लिए सोचा। आपको पता ही है कि हाल ही में सैमसंग ने अपने स्मार्टफोन सैमसंग M31S को लॉन्च किया है, जो कि 31 का जो है आपको सक्सेसर माना जा रहा है। तो इस फ़ोन को मैंने जब बाई करना चाहा, तो इस फ़ोन की जब सेल लगती है तो ये फ़ोन भी कुछ ही सेकेंड में आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन के समय में क्या सभी लोग उसी फ़ोन को बाई करना चाह रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। लॉकडाउन के समय में लोग अदर अदर कंपनियों के फ़ोन को बाई कर रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग की मदद से। लेकिन दोस्तों ये जो फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं, नए नए फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं, ये जो कंपनियां हैं काफ़ी कम यूनिट को तैयार कर रही हैं और इसी को जो है सेल में लगा रही हैं, ताकि जो है कंपनियों के द्वारा जो बनाया गया स्मार्टफोन है वो पूरा स्मार्टफोन ऑनलाइन के थ्रू बिक जाए। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ सैमसंग M31S को लेकर हुआ। जब मैं इस फ़ोन को बाई करना चाहा तो ये भी फ़ोन कुछ ही सेकेंड में जो है आउट ऑफ स्टॉक हो गया और फाइनली जो है ये फ़ोन प्राइम सेल के अंतर्गत जो है लॉन्च किया गया था। तो जो प्राइम सेल का जो है सब्सक्रिप्शन लिए थे, केवल वही जो है इस फ़ोन को बाई कर पाए। तो दोस्तों क्या आप सोच सकते हैं कि ये जो कंपनियों का फ़ोन आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा है? तो आप समझ सकते हैं कि ये कंपनियां जो है कभी नहीं बताती हैं कि ये कितना फ़ोन बना रही हैं। मतलब अगर जनता 1,00,000 डिमांड करती है फ़ोन का, तो क्या कंपनियां 1,00,000 फ़ोन ऑनलाइन सेल में लगा रही हैं? बिल्कुल नहीं। कंपनियां अपने मन मुताबिक फ़ोन की यूनिट को तैयार कर रही हैं, उसके बाद जो है ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू जो है इसको सेल कर रही हैं और ये यूनिट जो है काफ़ी तेज़ी से बिक जा रहे हैं और काफ़ी जो है इसको शॉप वाले खरीद ले रहे हैं और बाद में जो है इसको काफ़ी ज़्यादा प्राइस 1,000-2,000 प्राइस को बढ़ाकर जो है बेच रहे हैं। तो दोस्तों यही सब हो रहा है इसमें लॉकडाउन के समय में। ऑनलाइन शॉपिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आपको हो सकता है कि सस्ता फ़ोन जो है काफ़ी महंगे में मिल जाए, या आप जो फ़ोन लेना चाहें तो वो भी फ़ोन आपको ना मिले और उसके बदले में आपको कोई दूसरा फ़ोन लेना पड़े जो कि आपके बजट से 1,000-2,000-3,000 रुपये ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले आपको विशेष ध्यान देना चाहिए कि आप कौन से फ़ोन को खरीदना चाहते हैं, क्या आप उसी फ़ोन को लेना चाहते हैं जो आपकी डिमांड है, या आपका जो बजट है उसी फ़ोन को आप लेना चाहते हैं, तो क्या आपको वो फ़ोन मिल रहा है। तो दोस्तों ऐसी सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन शॉपिंग के अंतर्गत चल रही हैं। तो अगर आप भी जो है ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको केयरफुल होकर जो है पैसे लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह जो है आप लोग भी परेशान हो। और जो मैं फ़ोन लेना चाहता था वो फ़ोन अभी तक मुझे मिला नहीं है और अब देखते हैं कि कब तक फ़ोन आ जाता है। तो दोस्तों सैमसंग M31S को जो है अमेजोन के थ्रू लॉन्च किया था सैमसंग ने। इसकी काफ़ी कमी यूनिट जो है लॉन्च की गई थी, जो कि सबसे पहले जो यूट्यूबर थे उनको भेजा गया था इसका रिव्यू यूनिट जो है, उसके बाद जो है इसको अमेजोन के थ्रू लॉन्च किया गया, लेकिन जो है ये फ़ोन काफ़ी लोगों को नहीं मिल पाया। तो दोस्तों इसी तरह मैं भी परेशान हो रहा हूँ, जो फ़ोन मुझे लेना है वो हम लोग को मिल ही नहीं रहा है। इसलिए मैं सोचा कि ये वीडियो बनाकर आप लोग को बता दूँ कि आप लोग परेशान ना हों, ये फ़ोन काफ़ी कम यूनिट तैयार की जा रही है, फ़ोन की जो आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहे हैं और कंपनियाँ जो है उस यूनिट को बेचने के बाद ही नेक्स्ट यूनिट जो है सेल में लगा रही हैं, ताकि जो है कंपनियों का घाटा ना हो और इस लॉकडाउन के समय में कंपनियां अपनी सारी रेंज के फ़ोन को जो है अच्छे से बेच सकें। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन शॉपिंग के अंतर्गत हो रही हैं। जिस तरह से मुझे अभी तक मेरे मन मुताबिक फ़ोन नहीं मिल पाया, उसी तरह से आप लोगों में से कई लोग परेशान होंगे, क्योंकि दोस्तों जब भी आप फ़ोन खरीदने जा रहे हैं तो आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा है। तो इसका मतलब यही है कि कंपनियां कम यूनिट जो है ऑनलाइन शॉपिंग के अंतर्गत जो है सेल कर रही हैं, ताकि उनका जो है पूरा यूनिट बिक जाए, तभी जाकर जो है वो नेक्स्ट यूनिट को जो है सेल में लगा रही हैं। तो दोस्तों मैं जो प्रॉब्लम झेल रहा था, मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। तो आप लोग भी अगर कोई नया फ़ोन लेना चाह रहे हैं या नया फ़ोन लेने के बारे में सोच रहे हैं ऑनलाइन के थ्रू, तो प्लीज़ थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि जो फ़ोन लॉन्च हो वो आपको तुरंत ना मिले, उसके लिए आपको थोड़ा वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो कंपनियाँ हैं काफ़ी कम ही यूनिट जो है सेल में लगा रही हैं और पूरा यूनिट बिकने के बाद ही नेक्स्ट यूनिट जो है सेल में लगा रही हैं। तो थोड़ा वेट कीजिए, सब्र कीजिए, हो सकता है कि आप जो फ़ोन लेना चाहते हैं बाद में आपको मिल जाए। तो दोस्तों इस तरह से जो है ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू जो है कुछ स्कैम चल रहे हैं, कंपनियां इस समय जो है तुरंत प्रोडक्ट को कैसे सेल कर दे रही हैं समझ में नहीं आ रहा है। और ये ऑनलाइन शॉपिंग में जो है दोस्तों इन लोग को बताना चाहिए कि कितनी यूनिट है, ताकि कस्टमर को पता चले कि अभी इतनी यूनिट बची है और हम इसे जो है परचेज या बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए देवजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे जल्दी आपको मिलती रहे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।